हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। तड़ोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेज़बानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तड़ोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेज़बानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कुल 6 टाइगर रिजर्व है। एक तो आपका हो गया तड़ोबा टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व, तीसरा आपका हो गया बोर टाइगर रिजर्व, चौथा आपका हो गया नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, पांचवा आपका हो गया सहाद्री टाइगर रिजर्व, और छठा हो गया पेंच टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र में टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। एक आपका हो गया तड़ोबा टाइगर रिजर्व, दूसरा आपका हो गया मेलघाट टाइगर रिजर्व, तीसरा आपका हो गया बोर टाइगर रिजर्व, चौथा आपका हो गया नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, पांचवा हो गया सहाद्री टाइगर रिजर्व, और छठा कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व। अच्छा, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 53। और तिरपनवा कौन सा बना था? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। जो तिरपनवा टाइगर रिजर्व बना था उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और 52वां कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? आपका ये राजस्थान में है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये आपका है छत्तीसगढ़ में। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 है। 53वां कौन सा बना है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? आपका राजस्थान में है। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं, देश में मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे। देश में इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने मोसी ओ तुनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है सैमसंग, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट आते हैं, किसने हाल ही में दो स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? सिंपली आपसे पूछ रहा है, स्ट्रीट व्यू सर्विस किसने लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है गूगल मैप्स, ऑप्शन डी है रिलायंस। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गूगल मैप्स ने। स्ट्रीट व्यू सर्विस किसने लॉन्च की है? गूगल मैप्स ने, और दो स्थानीय कंपनियों के साथ मिलके, एक का नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल और दूसरा है टेक महिंद्रा। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। केरल ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के हालिया अध्ययन के अनुसार केरल ने 2021 में 61 दिनों में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें की, और केरल के बाद उड़ीसा है 43 डेज, और उड़ीसा के बाद कर्नाटक है 40 डेज, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है 34 डेज। तो सबसे ज़्यादा कौन है? केरल है 61 डेज, केरल के बाद उड़ीसा 43 डेज, उड़ीसा के बाद कर्नाटक 40 डेज, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु 34 डेज। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में शुरू की गई पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। हाल ही में शुरू की गई पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसका उद्देश्य डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करना है। नेक्स्ट आते हैं, पीची वन्य जीव अभयारण्य जहाँ एक नई बांध प्रजाति डेम सेल्फी स्पेसीज देखी गई किस राज्य में है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि पीची वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। पीची वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल में। किसने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज बैठक को संबोधित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज बैठक को संबोधित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, यह बैठक कहाँ हुई? 2022 की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी है शंघाई, ऑप्शन सी है ताशकंद, ऑप्शन सी है ताशकंद, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ताशकंद में। अच्छा, SCO में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 8 है, और दो नए देश ने अप्लाई किया है, उन दोनों का आपका नाम बताना है। नेक्स्ट आते हैं, किसे बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रणय कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी है नवीन श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है रुचिरा कंबोज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, विनय मोहन क्वात्रा कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव है। और रुचिरा कंबोज कौन है? तो यूएन में भारत की राजदूत है। और किसका स्थान लेगी रुचिरा कंबोज? तो TS तिरुमूर्ति की जगह पे अब रुचिरा कंबोज यूएन में राजदूत बनेगी। नवीन श्रीवास्तव कौन है? तो ये नेपाल में भारत के राजदूत है। नेक्स्ट आते हैं, कारगिल सेक्टर के द्रास में
5140 का नया नाम क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गन पॉइंट, ऑप्शन बी है गन हिल, ऑप्शन सी है कारगिल पॉइंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गन हिल। कारगिल सेक्टर के द्रास में 5140 का नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गन हिल। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास में 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कारगिल दिवस या विजय दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अगस्त को, ऑप्शन बी है 3 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अगस्त, ऑप्शन डी है 31 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 31 जुलाई को। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 31 जुलाई को। और 2022 की इसकी थीम क्या है? यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2022 की थीम है यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, एक्सरसाइज विनबैक्स VINBAX भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बाइलेटरल सैन्य अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है मंगोलिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वियतनाम। एक्सरसाइज विनबैक्स भारत और किस देश के बीच बाइलेटरल सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वियतनाम, वी फॉर वियतनाम। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण योजना फेस ऑथेंटिकेशन स्कीम फॉर पेंशनर्स का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है EPFO, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है RBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, EPFO ने। पेंशन भोगियों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण योजना का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, EPFO ने। नेक्स्ट आते हैं, ओमान और भारत किस राज्य में सैन्य अभ्यास अल नजा 4 आयोजित करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले अल नजा जो एक्सरसाइज होता है सैन्य अभ्यास, भारत और कौन से देश के बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच। और कहाँ पे होगा? तो ये आपका राजस्थान में होगा। नेक्स्ट आते हैं, बुडापेस्ट में आयोजित Formula 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टापन, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी है माइकल सुमाकर, ऑप्शन डी है सेबेस्टियन वेटल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैक्स वर्स्टापन ने। बुडापेस्ट में आयोजित Formula 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैक्स वर्स्टापन ने। नेक्स्ट आते हैं, लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है KV कामत, ऑप्शन डी है आशीष चौहान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आशीष चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में आशीष चौहान को नामित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं द क्राफ्ट विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑप्शन बी ए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। द क्राफ्ट विलेज स्कीम कौन से केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। अब इसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। द क्राफ्ट विलेज स्कीम का उद्देश्य समूहों में कारीगरों के लिए एक अस्थायी आजीविका विकल्प के रूप में हस्तशिल्प को विकसित करना है। यह पर्यटन के साथ कपड़ा जोड़ने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प समूहों को, जो हैंडीक्राफ्ट समूह होता है, बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करके शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत 8 शिल्प गाँव का चयन किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस योजना के तहत कितने शिल्प गाँव का चयन किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए 8 शिल्प गाँव का। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीधर, ऑप्शन बी है वीके पॉल, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी है लक्ष्मी पवार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वीके पॉल। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वीके पॉल। अच्छा, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, अमिताभ कांत अभी न्यूज़ में बने हुए थे, आपको बताना है किस कारण से अभी न्यूज़ में बने हुए थे। तो ये तो था हमारा 1 अगस्त से 3 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।